मंजूर को बुलाओ ना सर। कहाँ तुमने देखा ब्लड? मैं सर उधर करो, ये तो कह रहे भाई बाहर से बाहर लेके थोड़ा अंदर खून की दूर पड़ी तो उधर से लेने भी रहा है। हाँ सर 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 ये घटना हुई है क्या है पूरा अब तक आप लोगों ने जांच की जो? देखिए हम लोगों ने घटना के घटनास्थल को देखा है, लोगों से बात भी की है। अभी प्रथम दृष्टया घटना जो है संदिग्ध प्रतीत हो रही है और ये रामनगर में चूंकि त्यौहार थे आज पूरी फोर्स की डिप्लॉयमेंट थी जगह जगह पर, कोई यहाँ बात जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। और जब ये घटना के बारे में जानकारी हम लोगों ने छानबीन करना शुरू किया है, हमारे LIU के कांस्टेबल्स यहाँ आए थे जो पीछे आप देख रहे हैं, इस एरिया में खून के निशान थे जिसको पूरी तरीके से खो दिया गया, उसके वीडियो भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, फोटोज हैं। और एक गाड़ी में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है जहाँ ब्रॉड डेड कहा गया है। ले जाने वक्त जब कांस्टेबल ने मुझसे पूछा था तो बताया कि बाहर से कोई आदमी आया है जो छत से गिर गया है और उसको चोट लग गई है। तो इस प्रकार से चीज़ों की परिस्थितियों की सारी चीज़ों की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर बदल कार्रवाई की जाएगी। और अभी वादी और उनके लोगों से परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है, जहाँ लोग जो हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हमारे जो फील्ड यूनिट है वो आ गए हैं, जो ब्लड स्टेन्स जो बचे हुए हैं खुलने के बाद भी उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो है चीज़ों का सही खुलासा हो। और फोर्स भी लगाया जाएगा सर? हाँ फोर्स जो है पूरा डिप्लॉय कर दिया गया है शहर में और जो कस्बे में यहाँ रामनगर में भी हॉस्पिटल में भी अभी और उसकी मोबिलिटी बढ़ा दी गई। घटनास्थल का पता चला? इन्होंने बताया घटनास्थल कहाँ पे है? अभी वो बहुत स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, हम लोग उसी की जानबीन कर रहे हैं। सभी परिजन वहाँ हॉस्पिटल में हैं, गाँव वालों की से बातचीत और सभी चीज़ों से पूछताछ के बाद जो है उसको स्पष्ट किया जाएगा। अभी घटना प्रथम दृष्टया जो संदिग्ध प्रतीत है। ठीक सर। गाड़ी सर यहाँ पर गाड़ी ऐसे लगी मैं यहाँ पूछा पहले वो छत से गिर गया है लेके जा रहे हैं, उसके बाद फिर मैं अंदर गया सर।